नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फैंटेसी क्रिकेट क्लास में। आज हम बात करेंगे जो फर्स्ट ODI मुकाबला होने वाला है भारत और श्रीलंका के बीच में, इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में चर्चा करेंगे। क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी श्रीलंका को बिल्कुल ध्वस्त कर देगी? अभी हालांकि 3-0 से T20 सीरीज हार के आ रही है, क्या वनडे भी ऐसे ही हारेगी? जी हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि ऐसे ही वनडे हारेगी जैसे कि T20 हारी थी तो मुझे वीडियो पर कमेंट कर जरूर बताइएगा। और रोहित शर्मा विराट कोहली की जोड़ी क्या आज के मुकाबले में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बेस्ट चॉइस हो सकती है? तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले टेलीग्राम के बारे में। जिस भाई ने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फ्री गिव अवे मिलने वाला है, आफ्टर टॉस अपडेट यहाँ पर मिलेगी, बेस्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग का वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। तो आप सभी को पता है कि आर प्रेमादासा स्टेडियम कोलंबो में मुकाबला खेला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कुल 135 मुकाबले खेले गए, पहले बल्लेबाजी करते 79 मुकाबले और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए आप देखोगे 56 मुकाबले टीम ने किए हैं। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर स्पिनर वर्सेस पेसर्स की, तो मैं आपके लिए पहले एवरेज स्कोर बता देता हूँ। आप 220 यहाँ पर वेन्यू पर एवरेज स्कोर आ रहा है, लेकिन आप इसे भूल जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, इसे भूल जाइएगा। यदि भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो आपके 300 और 300 अबव स्कोर देखने को मिलेगा, और यदि श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करती है तो संभवतः आपके लिए यहाँ पर स्कोर देखने को मिल जाएगा। ये आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ आपके लिए डिफरेंस देखने को मिल सकता है यहाँ पर दोनों टीमों की बल्लेबाजी में। अब आप देखोगे कि यहाँ पर अब चूंकि वनडे है तो वहां पर पेस बॉलर भी आपके लिए कहीं ना कहीं खेल में आएंगे। और जैसा कि लास्ट मुकाबले में आपने श्रीलंका की एक विकेट देखी होगी, पर सूर्य कुमार यादव 20वां ओवर और रिंकू सिंह 19वां ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि स्पिनर के लिए तो है। जी हाँ दोस्तों, स्पिनर के लिए मदद तो बिल्कुल है। उसके बाद यदि बात की जाए, आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले वेन्यू पर स्कोरिंग पैटर्न, तो 200 और 200 से नीचे 22 बार, 200 और 249 से 52 बार, 249 से लेके 299 तक 39 बार, और 300 अबव आप देखोगे 22 बार स्कोर देखने को मिला है। लेकिन जो चीजें मैंने आपके लिए बताई हैं वो ध्यान रखिएगा, यदि भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो स्कोर यहाँ पर बनेगा, और श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करती है तो उम्मीद है कि स्कोर यहाँ पर बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इन दो चीजों को ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपके लिए वेन्यू पर खेले गए रिसेंट मुकाबलों के बारे में दिखा देता हूँ। आप देखोगे जिम्बाब्वे थी छोटी टीम थी, 96 बनाए थे और श्रीलंका ने 97 बनाकर चेस कर लिए। फिर जिम्बाब्वे 208 और श्रीलंका 211। श्रीलंका का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, वन साइड परफॉर्मेंस रहा है। अब एक मुकाबला आपने देखा भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था ए सीरीज, जिसमें मोहम्मद सिराज ने आपके लिए वन साइडेड डोमिनेट करके दिया था। यहाँ पर आप देखोगे ना तो आप यहाँ पर पाओगे 50 रन मात्र श्रीलंका ने बनाए थे, 10 के 10 विकेट मोहम्मद सिराज और दोस्तों हमारी पेस बॉलिंग की जोड़ी ने निकाले थे, जसप्रीत बुमराह की ने। उसके बाद श्रीलंका 155 तो वेस्ट इंडीज 158। और अब मैं बात करें यहाँ पर बॉल माउंट वाले, तो यहाँ पर आप देखोगे स्पिनर का डोमिनेशन, यहाँ पर भी स्पिनर ने अच्छा किया है। यहाँ तो वन साइडेड दोस्तों पेस बॉलर का हो ही गया था, यहाँ पर दोस्तों पेस बॉलर ने मतलब दो मुकाबले ऐसे रहे जिनमें कि स्पिनर हावी रहा है और दो मुकाबले ऐसे रहे जिनमें कि पेस बॉलर हावी रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए हेड टू हेड। हेड टू हेड बड़ा एक बहुत ज्यादा मुकाबले, 168 मुकाबले खेले गए हेड टू हेड, इनमें से भारत ने 99 और श्रीलंका ने मात्र 57 मुकाबले विन किए। लास्ट टाइम तब ये आमने सामने हुए थे, तब क्या हुआ था आप देख लीजिएगा, भारत 357 बनाए थे, श्रीलंका 55 पर ऑल आउट हो गई थी, शुभमन गिल 92, विराट कोहली आप देखोगे बनाए थे 88 और श्रेयस अय्यर 82। यहाँ पर रविंद्र जडेजा 35 रन 2 विकेट और सिराज आप देखोगे तो 3 विकेट यहाँ पर निकाले थे। फिर उसके पहले वाला मुकाबला देखोगे ना जो कि इसी वेन्यू पर खेला गया था, जी हाँ दोस्तों 50 रन पे मात्र ऑल आउट हो गए थे। यहाँ पर कुशल मेंडे 17 रन तो हेमंता 15 रन, शुभमन गिल 30 रन, हार्दिक पांड्या 3 विकेट और 6 विकेट यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने निकाले थे। तो दोस्तों इसलिए सिराज को इनके खिलाफ स्टार मानते हैं, हालांकि सिराज की T20 सीरीज उस हिसाब से नहीं गई जिस हिसाब से जाना चाहिए था। तो चलिए अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा आपसे डाउनलोड कर लीजिएगा, करना हो तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड कर आप राज 123 कोड डाल दीजिएगा। आपको इससे क्या जो इतने सारे बेनिफिट दिख रहे हैं ना वो कोड डालने से, आपके लिए राज 123 कोड डालने से
इतने सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो ऑनेस्ट लिविंग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऑनगोइंग तो अभी मुकाबले हुए नहीं है, लेकिन आप देखो रोहित शर्मा T20 से संन्यास ले लिया है इन्होंने और एक शानदार फॉर्म है और इनका काम है विस्फोटक अंदाज में आते हैं और यदि एक खेल गए ना 15-17 ओवर तो किसी भी टीम को तहस नहस कर देते हैं। तो बिल्कुल आप रोहित शर्मा को ट्राई कर सकते हो और जो 268 का है कितने का है इनके खिलाफ ही इनका हाई स्कोर है। आप देखोगे हेड टू हेड 52 मुकाबलों में 45 के एवरेज है, वेन्यू पर 13 मुकाबलों में 27 का। वेन्यू पर इतना अच्छा नहीं किया लेकिन हेड टू हेड काफी शानदार इनके स्टैट्स हैं। बिल्कुल रोहित शर्मा को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके बाद रोहित शर्मा के बाद आप देखोगे शुभमन गिल, इनके साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। अब गिल का देखोगे हेड टू हेड 6 मुकाबले हैं और 69 का एवरेज 69 का एवरेज है। शुभमन गिल बिल्कुल डेफिनेटली आपकी स्कोर कर देने वाले हैं और वेन्यू पर 4 मुकाबलों में 75 का, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। उसके बाद आप देखोगे विराट कोहली का, विराट कोहली का हेड टू हेड 53 मुकाबलों में 63 का एवरेज है। जी हाँ दोस्तों, 63 का एवरेज मायने रखता है और वेन्यू पर भी 65 का एवरेज है, तो बिल्कुल विराट कोहली आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इन तीनों में से तो आप किसी को ड्रॉप कर ही नहीं सकते। श्रेयस अय्यर ने अपनी टीम में वापसी की है। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर ने टीम में वापसी की है और अय्यर का आप देखोगे 7 मुकाबलों में 48 के एवरेज है और वेन्यू पर ये मुकाबला नहीं खेले हैं, लेकिन याद रखिएगा अय्यर भी बहुत शानदार प्लेयर है। उसके बाद लोकेश राहुल टुक टुक मशीन है। जी हाँ दोस्तों, टुक टुक मशीन चलने वाली है। पर्सनली बोलूं तो मुझे इनकी तब जो ज्यादा स्लो खेलते हैं ना बिल्कुल बैटिंग पसंद नहीं है। यस जी, वर्ल्ड कप फाइनल में इन्होंने किया था कि बिल्कुल रोक कर रह गए और रन ही नहीं बनाए, लगभग 15-17 ओवर बगैर बाउंड्री के निकाल दिए जाए। हारने का कारण वही था, कोई कुछ भी बोले कैसे भी जस्टिफाई करे नहीं कर सकता। वर्ल्ड कप फाइनल भाई 15-17 ओवर आप बगैर बाउंड्री के निकाल रहे हो ना, तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आप मुझे गाली दे लीजिएगा क्योंकि साथ में नाम विराट कोहली का भी आ रहा है, राहुल का अकेला नाम नहीं है, इनके साथ विराट कोहली का नाम भी। आप चाहे मुझे गाली दे लीजिएगा, कुछ हो जो मन हो वो बोल लीजिएगा, मेरे मन में है जो मैंने आपके लिए बता दिया। खैर आप देखोगे केएल राहुल का हेड टू हेड 35 का एवरेज है और वेन्यू पर काफी शानदार खेलते हैं। राहुल अच्छे प्लेयर है, आप ले सकते हो, लेकिन बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाएगा दोस्तों। और भी मैं आपके लिए अपडेट जो टीम होगी ना वो टेलीग्राम पर टॉस के हिसाब से करूंगा। यदि सेकंड इनिंग्स बल्लेबाजी करेंगे भारत टीम तो मैं इन्हें लूंगा ही नहीं राहुल को, फर्स्ट इनिंग्स में मैं एक चांस इन पर ले सकता हूं। फिर अक्षर पटेल एज अ बॉलर आप इन्हें खिलाइएगा। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है अच्छे फॉर्म में, बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। कुलदीप यादव का हेड टू हेड 12 मुकाबले 18 विकेट है, वेन्यू पर 7 मुकाबले में 14 विकेट है, इम्पोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज और आप देखोगे हर्षित राणा या खलील अहमद, मेरे हिसाब से हर्षित राणा को मौका दिया जाना चाहिए। यदि हम गेंदबाज देख रहे हैं स्पेशली T20 में हर्षित राणा को जरूर खिलाना चाहिए यदि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले अर्शदीप के स्टेट्स देखते हैं, हेड टू हेड और वेन्यू पर नहीं है, लेकिन अभी दोस्तों अच्छी गेंदबाजी की थी, अब लंबा फॉर्मेट है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्मेट था अब लंबा फॉर्मेट है, तो अर्शदीप सिंह संभवतः इतनी अच्छी गेंदबाजी ना कर पाए। लेकिन मोहम्मद सिराज की मैंने स्टेट्स दिखाए, इनके खिलाफ बहुत अच्छे स्टेट्स हैं, 6 मुकाबलों में 18 विकेट हैं और वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 7 विकेट हैं, इनमें से एक ही मुकाबले में 6 विकेट थे। तो अब मोहम्मद सिराज को आप ट्राई कर सकते हो और इनमें से जो भी खेलेगा चाहे वो हर्षित राणा खेले या फिर दोस्तों खलील अहमद खेले, अपडेट में टेलीग्राम पर आपके लिए कर दूंगा। तो चलिए बात करें आप श्रीलंका के बारे में, अब इंडिया की तरफ से मैं आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर बता दूं जिन पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर ले सकते हो, रोहित, शुभमन गिल, विराट कोहली और उसके बाद आप देखोगे तो कुलदीप यादव है, मोहम्मद सिराज को भी आप ट्राई कर सकते हो और अर्शदीप सिंह भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन है। उसके बाद एक दोस्तों यहाँ पर श्रेयस अय्यर और फिर आप देखोगे लोकेश राहुल को मैं अकॉर्डिंग टू टॉस ट्राई करूंगा। जी दोस्तों, टॉस के अनुसार लोकेश राहुल को मैं ट्राई करूंगा। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों ये अपनी बैटिंग ऑर्डर पैक करना चाहूंगा और बॉलरों में लगभग 2-3 बॉलर में यहाँ पर ट्राई कर सकता हूँ। तो चलिए बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। निशान का बहुत अच्छा खेले, पूरी सीरीज में बहुत अच्छा खेले और दोस्तों बहुत अच्छा इन्होंने किए, हेड टू हेड 20 के एवरेज है और वेन्यू पर है इनका 32 के एवरेज और अच्छे फॉर्म में है, डेफिनेटली आप इन्हें अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते हो। उसके बाद अविष्का फर्नांडो दोस्तों LPL में भी काफी अच्छा किया था लेकिन फिर इन्हें T20 सीरीज नहीं खिलाई गई। हेड टू हेड आप देखोगे 29 के एवरेज है भारत के खिलाफ और वेन्यू पर है 32 के एवरेज, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं। कुशल मेंडिस ये भी दोस्तों T20 सीरीज में अच्छा कर आ रहे हैं, हेड टू हेड भारत का 18
और बेन्यू पर इनका खास है दोस्तों 53 कैबेज है, मतलब बेन्यू इन्हें पसंद आती है। कुशल मेंडिस बिल्कुल इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। उसके बाद सदीरा समर विक्रमा काफी रुककर खेलने वाले प्लेयर है और बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर है श्रीलंका के लिहाज से। हेड टू हेड 14 कैबेज है और बेन्यू पर है 38 कैबेज। सदीरा समर विक्रमा दोस्तों आप ट्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे आपके लिए ऑप्शन है, यहाँ पर ये हो सकते हैं। उसके बाद चरित्रा श्रीलंका दोस्तों T20 में तो ये कुछ नहीं कर पाए थे, अब यहाँ पर इनका तुक्का लग जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद आप देखोगे तो लियांगे ठीक ठाक ऑप्शन है, नए प्लेयर हैं। उसके बाद आप देखोगे बलिंदु हसन का एक काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है, इन्हें ट्राई कर लीजिएगा। हेड टू हेड 8 मुकाबलों में 10 विकेट है। बैटिंग तो इनकी भूल जाएगा, बैटिंग तो ये फेंकालॉजी करते हैं। उसके बाद बेन्यू पर 13 विकेट है, 13 के एवरेज है और 10 मुकाबले में 17 विकेट है, तो हसन में इंपोर्टेंट है। फिर आप देखोगे बिलाल आगे भारत के खिलाफ अच्छा किया है। जी हाँ दोस्तों, अच्छा किया है भारत के खिलाफ। सॉरी बिलाल आगे खेले थे कहीं में, मुझसे कुछ तो मिस्टेक हुई है। उसके बाद महेश तीक्ष्णा इतने इंपोर्टेंट नहीं है, यदि बेन्यू पर स्विंग नहीं मिलेगी ना तो आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं, लेकिन बेन्यू पर आप देखोगे 10 मुकाबलों में 17 विकेट है। फिर आप देखोगे अखिला धनंजय ठीक ठाक प्लेयर है दोस्तों, एट टू एट वेन्यू पर नहीं है। दिलशान मधुसन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे और आपके लिए दोस्तों पथरीना नहीं खेलेंगे। अब श्रीलंका की ओर से इंपोर्टेंट प्लेयर के बारे में चर्चा की जाए तो आप देखोगे सबसे पहले तो आपके लिए निशान का है, फिर कुशल मेंडिस है, सदीरा समर विक्रमा है। सदीरा समर विक्रमा के बाद दोस्तों आपके लिए हसरंगा है। हसरंगा के बाद आप दोस्तों बिल्ला लागे को ट्राई कर सकते हो या फिर दोस्तों मधुसन का ट्राई कर। 1 2 3 4 5 इनकी तरफ से है, लगभग 7 से 8 प्लेयर भारत की तरफ से। अब दोस्तों मैं आपके लिए कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के ऑप्शन बता देता हूं। सबसे पहले रोकू है, रोहित और विराट कोहली है, फिर आप शुभमन गिल हैं, उसके बाद राहुल, जी हाँ दोस्तों राहुल है, उसके बाद आप देखो हसरंगा और यहाँ पर प्रथम निशान का मैंने रखा है, और यहाँ पर आप बाय अय्यर श्रेयस अय्यर को भी अपने टीम में एड कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के लिए। तो चलिए बात करेंगे दोस्तों अब हम यहाँ पर जो आपके लिए आज के मुकाबले में अच्छी टीम हो सकती है उसके बारे में। तो कोहली को राहुल है, इनको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ, जी हाँ दोस्तों इनको मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर आप देखो कुशल मेंडिस है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल, निशान का मैंने ट्राई किया है। यहाँ पर आप देखोगे हसरंगा है और अक्षर पटेल है। फिर आप देखो कुलदीप यादव तीक्षणा है और दोस्तों यहाँ पर मैंने अर्शदीप सिंह को ट्राई किया है। दोस्तों इसमें यदि कोई चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू विकेट, अकॉर्डिंग टू वेन्यू, अकॉर्डिंग टू टॉस, तो उसके बारे में अपडेट मैं टेलीग्राम पर करूंगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।